हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको पत्ता गोभी कैबेज की ढाबा स्टाइल में सब्जी बताने वाली हूँ। चलिए उसके लिए हम देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये है नमक, लाल मिर्च, ये देगी मिर्च है, कश्मीरी मिर्च जिसे बोलते हैं, हल्दी, धनिया, जीरा, गरम मसाला, और ये जो है अदरक, लहसुन, और इसमें मैंने दिया है ये सरसों का दाना। ये हमें ज़्यादा लेना है, 2 चम्मच बड़े वाले लिए हैं, इनको पीसना है। और ये मैंने टमाटर का पेस्ट बना रखा है, ये मैंने 4 टमाटरों का पेस्ट बनाया है मीडियम साइज, ये 1 प्याज, धनिया, और ये मैंने हाफ पत्ता गोभी लिया है कैबेज, और ये मैंने 1 आलू और धनिया गार्निशिंग के लिए। चलिए हम लोग गैस को ऑन करते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले डालेंगे, और पीसने के लिए हरी मिर्च भी चाहिए। चलिए इसमें हम लोग डालते हैं, ये आप कौन से भी तेल में बना सकते हैं, रिफाइंड में, सरसों के तेल में, गरम में, और घी में, किसी में भी बना सकते हैं। अच्छी तरह ये क्रैकर होने देते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें प्याज डालेंगे। और इसमें मैंने ये 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है, तो क्योंकि थोड़ा ऑयल ज्यादा लगता है, इसको थोड़ा और फ्राई होने देते हैं जीरा को। चलिए अब देखिए ये हो गए हैं, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गुलाबी हो बस। और इसके साथ ही हम आलू भी डाल देंगे, क्योंकि आलू में टाइम लगेगा हमें बॉईल होने में। और अब हम इसमें एक एक करके मसाला डालेंगे। इसमें मैंने लहसुन भी ज्यादा लिया है, देखिए, और अदरक, और ये है ब्लैक मस्टर्ड, और ये है हरी मिर्ची, और इसको हमें पेस्ट बनाना है। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा होने देती हूँ फ्राई, उसके बाद मैं ये पेस्ट बनाती हूँ। ये थोड़ा फ्राई होने लगे, ये थोड़ा फ्राई हो जाए उसके मैं ये पेस्ट बनाती हूँ। चलिए अब देखिए ये प्याज अच्छी तरह से सिक गया है, एकदम गुलाबी हो गए हैं। अब इसमें हम लोग एक एक करके मसाला डालेंगे। सबसे पहले मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ, इसे पहले डालने से क्या कि कलर बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं डालूंगी नमक, हल्दी, बाद में डालूंगी धनिया, और ये जो गरम मसाला है आधा मैं अभी डालती हूँ, आधा बाद में डालूंगी। और ये जो पेस्ट है मस्टर्ड सीड्स, लहसुन और हरी मिर्ची का, इसको अभी डालूंगी। टमाटर भी डाल देते हैं, और
और इसके बाद हम लोग पत्ता गोभी डालेंगे। इसको हम लोग 5 मिनट के लिए बंद रखेंगे। अच्छी तरह हिला के और 5 मिनट के लिए इसको कम एकदम लो फ्लेम में होने देंगे। देखिए अब ये पानी इसका बिल्कुल सूख गया है और ये भी एकदम हो गया आलू की। और इसमें हम लोग थोड़ा चीनी डालेंगे, चीनी से क्या थोड़ा टेस्ट बैलेंस हो जाता है। और इसको आप लोग और भी ड्राई कर सकते हैं, और जैसे राइस के साथ खाना है तो थोड़ा गीला गीला ही अच्छा लगता है, आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं। चलिए अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे जो आधा बचा हुआ था, और ये धनिया। चलिए अब हम इसको बाउल में निकालते हैं। और ढाबे के लिए तो ढाबे में तो बटर घी खूब चाहिए, तो आज हम इसमें भी बटर ढालते हैं। ये हमारा ढाबा स्टाइल कैबेज की सब्जी बन के रेडी है। आप लोग बनाइए, खाइए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट दीजिए। प्लीज बाय।